नमस्कार, दीपास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कम तेल में बचे हुए चावल का चीला। बचे हुए चावल का चीला बनाने के लिए हमने 1 कप चावल लिया हुआ। ये चावल सवेरे का है, इस टाइम शाम के टाइम इसको बना रहे हैं। इसमें मिलाने के लिए हमने लिया है 2 बड़े चम्मच सूजी, 2 बड़े चम्मच मैदा, 1 टीस्पून है नींबू का रस, 1 टेबल स्पून है गाजर कद्दूकस की हुई, 1 टेबल स्पून है शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 टीस्पून है नमक, इसमें 1 टीस्पून जीरा, 2 हरी मिर्च, 1 टुकड़ा अदरक का, इसको हमने अदरक पीस लिया है मिक्सी में, 1 मीडियम साइज का प्याज लिया बारीक कटा हुआ, 2 टेबल स्पून ने यहाँ पे लिया है वेजिटेबल ऑयल। सबसे पहले मिक्सी जार लेंगे, उसमें डालेंगे 1 कप चावल। ये इसमें मिला देंगे हम सूजी, सूजी आप कोई भी ले लीजिए, बारीक या मोटी कोई भी ले लीजिए। इसमें मिलाएंगे मैदा, इसमें हम 1 कप पानी मिलाकर इसका हम बारीक पेस्ट बना लेंगे। हमने देखिए सूजी चावल और मैदा को देखिए बारीक पीस लिया है, इसमें हम डाल देंगे एक दूसरे बड़े बर्तन में। अब इसमें हम मिलाएंगे बारीक ये कद्दूकस की गाजर और शिमला मिर्च, जो सब्जियां आपको पसंद हो उसमें आप मिला सकते हैं, बारीक कटा हुआ प्याज, नमक स्वाद के अनुसार ले लीजिए, अदरक, हरी मिर्च और जीरा और नींबू का रस, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉरी, आपको हम 2 चीज़ें बताना भूल गए थे। हमने यहाँ पे लिया 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आप लाल मिर्च भी ले सकते हैं, और 2 बड़े चम्मच हमने यहाँ पे लिया बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती, इसको मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें करीब 1/4 कप पानी मिलाया है। सबसे पहले हम पैन को गरम करेंगे। पैन गरम हो गया है, इसमें हम डालेंगे ये चावल का पेस्ट और इसे फैला देंगे। ये चीला थोड़ा मोटा ही बनता है क्योंकि इसमें सब्जियां पड़ी हुई हैं। चीले को हम लो से मीडियम फ्लेम पे ही सेकेंगे। देखिए इसमें से बबल्स निकलने लगे हैं। अब यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल ऊपर से, और थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे हम किनारे की तरफ से। और लो से मीडियम फ्लेम पे इसको हम सेक लेंगे। अब चीले को हम पलट कर दूसरे साइड सेक लेंगे। देखिए हमने इसको दूसरे साइड से भी सेक दिया है, बहुत ही बढ़िया सिका ये। इसी तरह हम और चीला बना के तैयार कर लेंगे। उसी पैन में हम बिना तेल लगाए दोबारा डालेंगे, इसे फैला देंगे। अब इसको हम पलट के देख लेते हैं, बहुत बढ़िया सिक गया है। बचे हुए चावल का चीला बनकर तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।